नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। जम्मू कश्मीर में DDC के चुनाव हुए। जब से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया, उसके बाद पहली बार वहां DDC के चुनाव किए गए। जो रिजल्ट थे उसने जम्मू और कश्मीर को सार्थक कर दिया। जम्मू के रुझान अलग और कश्मीर के रुझान अलग। आपने देखा है कि जैसे रुझान के बाद जो रिजल्ट आए, जम्मू एरिया जिसमें लगभग 60% हिंदू लोग हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक सीटें दी। लेकिन कश्मीर एरिया मुस्लिम डोमिनेटेड है, उसने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। कश्मीर में हुए चुनाव और मान के चलिए कि नप गए मोदी शाह और भाजपा। क्या अनुच्छेद 370 हटाना कुछ अलग ही गुल खिला गया। कश्मीर एरिया में चुनाव में BJP को मात्र 3 सीटें मिली, वही PAGD को 72 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली। गोदी मीडिया की करारी हार सामने आती नजर आई है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसके ऊपर हो सकता है मेन स्क्रीन मीडिया में आप जोरों शोरों से TV वालों को गोदी मीडिया को देख रहे हो, मोदी ने फतेह कर दी। लेकिन आप अगर असलियत जानते हैं तो आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारी हार मिली है। आगे की खबर के लिए रुख लेते हैं तोरल की तरफ। BJP मुंह के बल गिरी है। आप देख सकते हैं कि भाजपा की अपनी करनी थी, जिसकी वजह से भाजपा अपनी ही बस टेल जम्मू से रूट आउट होने की कगार पर पहुंची है। जम्मू के लोग भी BJP से डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं। BJP से वो काफी मायूस है। बड़ा हम सुनते थे वहाँ पत्थरबाज रहते हैं, फेयर एंड फाइन इलेक्शन हुए और ये जो सारे पत्थरबाज बोलने वाले लोग जो हमारी गोदी मीडिया वाले हैं, वो आज हक्का बक्का होकर बैठे हैं कि यह हाथ तो सही जगह पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को काले दिन का सामना करना पड़ा। बैलेट पेपर से वोटिंग होने की वजह से ही BJP का काला चेहरा सबके सामने आ गया है। लेकिन गोदी मीडिया यह सच्चाई किसी को भी नहीं दिखा रही है। इनको सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रानावत के सिवाय आप पे भी फोकस करना पड़ेगा मोदी जी। इनको और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट बताएं।